अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो माउस के ऊपर है कि माउस की कर्सर स्पीड को और स्क्रॉलिंग स्पीड को हम किस तरीके से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो रिसेंटली मेरे पास जो इशू आ रहा था वो ये आ रहा था कि मेरे माउस की जो स्क्रॉलिंग थी वो बहुत ही कम हुई हुई थी, और जैसे ही मैं आके अपनी वेबसाइट पर स्क्रॉल कर रहा था तो ये बहुत ही कम स्क्रॉलिंग हो रही थी। अब मुझे बार बार फिंगर्स को उठा के दोबारा नीचे की तरफ करना पड़ रहा था, और स्क्रॉलिंग में मुझे बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था, और जब मैं तेज़ स्क्रॉल करना चाह रहा था तो वो भी नहीं हो रहा था। तो सिंपली हमने क्या करना है, हमने अपने रोल द माउस व्हील टू स्क्रॉल, यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन का ऑप्शन भी है कि कितनी स्क्रीन एक टाइम पे हो या कितनी लाइन एक टाइम पे हो। मैं पहले मल्टीपल लाइन को डिस्कस करता हूँ। मैं इसको 30 या 40 लाइंस करने के बाद मैं अपनी स्क्रॉलिंग चेक करता हूँ कि किस तरीके से हो रही है। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी स्क्रॉलिंग बहुत फास्ट हो रही है। एक सिंगल क्लिक के ऊपर मेरी दो से दो स्क्रीन्स तब्दील हो रही हैं। अगर मैं इस तरह स्क्रॉल करता हूँ तो मेरी फुल बटा फुल स्क्रीन तब्दील हो जाती है, आप देख सकते हैं। और ये हमारी एक बेहतरीन स्पीड होती है कि सिंपली हम बिल्कुल सॉफ्ट सा अपने टच पैड को जैसे ही थोड़ा सा टच करते हैं तो हमारी जो स्क्रॉलिंग है वो हो जाए, तो इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। बाकी कर्सर स्पीड पे आते हैं, तो इस वक्त कर्सर स्पीड की बात कीजिए तो मैंने मीडियम रखी हुई है। अगर मैं इसको फास्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर्सर स्पीड को फुल बटा फुल फास्ट करके जैसे ही मैं थोड़ा सा मूव करूँगा मेरा कर्सर जो है वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे चले जाएगा और मुझे काम करने में बड़ी आसानी होगी। तो जितने कर्सर स्पीड तेज़ होगी और स्क्रॉलिंग जितनी अच्छी होगी काम उतना जल्दी से होगा। तो इस तरीके से हम अपने कर्सर स्पीड को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको कम करना चाहूँ तो बिल्कुल कम हो जाएगा। ये देखें कि मैं अब तकरीबन 5 से 6 दफ़ा तो मैं अपने टच पैड को स्क्रॉल कर चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ये तकरीबन 7 दफ़ा स्क्रॉल करने तक यहाँ तक आया। तो अगर मैं इसको तेज़ कर लेता हूँ तो आई थिंक सो यहाँ तक 17 से 20 तक या 17 तक आई थिंक सो इनफ है स्पीड। और अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं, स्क्रॉलिंग ज़्यादा करना चाहते हैं, तो वही आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल से ज़्यादा स्क्रॉलिंग और ज़्यादा स्पीड जो है वो आपको ज़्यादा काम करने में आपकी हेल्प करती है। और मैं अक्सर जो है वो स्क्रॉलिंग स्पीड और स्क्रॉलिंग और कर्सर स्पीड को अक्सर ज़्यादा रखना पसंद करता हूँ। मज़ीद आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मेरे सारे जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो लगे हुए हैं, आप मेरी वेबसाइट को लाजमी विज़िट कीजिएगा। यहाँ पे आपके लिए आर्टिकल्स और वीडियोस बहुत कुछ आने वाला है, और यहाँ से आप मेरे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उनको फॉलो भी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।